जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर आपातकालीन बैठक आज, गृह मंत्रालय से शुरू हुई संगठनों की बातचीत। आपको बता दें पूरे देश में रोजाना औसतन 1 लाख से ज्यादा ट्रक देश के अलग अलग हिस्सों में दवाओं को पहुंचाते हैं। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक तकरीबन इससे ज्यादा ही ट्रक फल और सब्जियों को पहुंचाते हैं। तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा ट्रक रोजाना एक जोन में रोजमर्रा से जुड़ी जरूरत के अन्य छोटे छोटे सामान पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 48 घंटों में दवाइयों से लेकर फल और सब्जियां समेत डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जैसी जरूरतें सप्लाई करने के लिए ट्रक नहीं चल रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के मुताबिक चालकों की हड़ताल का बड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है। इस हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए संगठन की मंगलवार दोपहर बाद एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। गृह मंत्रालय के साथ भी संगठन की बातचीत चल रही है। वहीं सरकार ने भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का लोगों पर असर न पड़े इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के मुताबिक देश के सभी राज्यों से दवा लेकर फल सब्जियां और जरूरत के सभी सामानों से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। संगठन के महासचिव नवीन गुप्ता कहते हैं कि देश के सभी ट्रक बस ड्राइवरों ने काम बंद कर दिया है। इसके अलावा चलते देश की सड़कों पर रोजाना दौड़ने वाले लाखों ट्रकों के चक्के रुक गए हैं। उनका कहना है कि पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगहों पर पहुंचने वाले रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई नहीं हो पाई है। शुरुआती दौर में अभी जो स्टॉक लोगों के पास है उसी से काम चला रहे हैं। नवीन गुप्ता कहते हैं कि अगर ये हड़ताल लंबी चली तो रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली जरूरत की चीजों की आपूर्ति पर बहुत असर पड़ सकता है।